गाइस बात करेंगे कि इस तरीके से फोटो प्रोफाइल आप कैसे बना सकते हो, कैसे क्रिएट कर सकते हो अपने फ़ोन पे और ऐसे आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लगा सकते हो। दोनों फ़ोटो एक ही फ्रेम पे आ जाएगा, अपने प्रोफाइल पिक्चर और कवर फ़ोटो। इस तरह का जो पिक्चर है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो ऐसे में इसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हो अपने फ़ोन से, तो सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो सिंपल से इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मुझे लीजिए, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हो विकी बीबीजे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले इसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे, आपको सिंपल सा गूगल प्ले स्टोर पे आना है और आने के बाद यहां से जो है आपको सर्च बार पे आना है। आने के बाद यहां से आपको सिंपल सा सर्च कर देना है स्मार्ट फोटो कार्ट, ठीक है। स्मार्ट फोटो कार्ट बोल के जो है एक एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो सिंपल सा 3.7 का इसका रेटिंग है, ठीक है। तो सिंपल से इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है, इसके बाद ओपन करना है। जैसे ओपन करोगे तो कुछ परमिशंस वगैरह मांगेगा, कुछ ऐड वगैरह आ सकता है, आपको सिंपल से कट कर देना है। जैसे कट कर दोगे तो उसके बाद आपको एक जो है बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देगा। तो सबसे फास्ट जो ऑप्शन दिखाई देगा फेसबुक कवर एंड प्रोफाइल, तो इस ऑप्शन पर आपको सिंपल से कर देना है क्लिक। जैसे ही कर दोगे तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन आपको मिल जाएगा और यहाँ से सिलेक्ट इमेज का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको सिंपल से यहाँ से जो है क्लिक करके आपका गैलरी ओपन कर लेना है और यहाँ से जो है आप जो भी फ़ोटो लगाना चाहते हो, ठीक है, उस फ़ोटो को आपको यहाँ से जो है सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ इस फ़ोटो को यहाँ से लगाना चाहता हूँ, तो ऐसे में आप इस फ़ोटो को कुछ इस तरीके से आपको लगाना है, कुछ इस तरीके से आपको इस फ़ोटो का मतलब जूम कर लेना है, ठीक है। और जैसे ये सेट हो जाए उसके बाद आपको सिंपल से इसको कर देना है सेव। ऊपर ये जो राइट कॉर्नर पे एक सेव ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपल से इस राइट कॉर्नर पे सेव और ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। जैसे क्लिक करते हो तो ये फोटो जो है बनकर रेडी हो जाएगा, आपके गैलरी पे आ जाएगा। तो इस एप्लीकेशन का काम यही ख़त्म होता है, आपको बस कुछ नहीं करना है, सिंपल से यहाँ से इस एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन से आपको निकल जाना है, बाहर चले आना है, ठीक है। और उसके बाद आपको सिंपल से फेसबुक प्रोफाइल पे आना है, फेसबुक पे आना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोफाइल वाला आइकन पे क्लिक करके प्रोफाइल पे आना है और आने के बाद यहाँ से जो है प्रोफाइल पिक का ऑप्शन दिखाई देगा दे रहा है और यहाँ से जो है एक कैमरे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पे आना है। आने के बाद यहाँ से सिलेक्ट प्रोफाइल पिक्चर पे कर देना है क्लिक और उसके बाद यहाँ से जो है जो बड़े वाले पिक्चर हैं आपको सिंपल सा वो ले लेना है। कुछ यहाँ से आपको छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद आपको सिंपल सा सेव कर देना है और यहाँ से जो कवर पिक वाले जो पिक्चर है इस पर आपको क्लिक करना है, जो कैमरे वाले आइकन है, और यहाँ से अपलोड फोटो पे कर देना है क्लिक और यहाँ से जो जो छोटे वाले पिक है इस वाले आपको इस पर सिंपल से कर देना है क्लिक और यहाँ से जो है आपको कर देना है सेव। जैसे ही सेव कर दोगे तो यहाँ से जो है कुछ टाइम लग सकता है यहाँ से अपडेट होने में, ठीक है, या आपके नेट के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो मेरा देखिए ये ऑटोमेटेड अपडेट हो गया है, देखिए हो रहा है, बस हो गया है। बस कुछ इस तरह से जो है अपने प्रोफाइल पिक्चर को आप इस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सो गाइस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आपको अगर वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखना, क्योंकि मैं ऐसे लगातार इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए रोज़ाना लगातार लाता रहता हूँ। सो चलिए दोस्तों आज के लिए इतनी ही, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।